साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन की हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से पुलिस प्रशासन की तरफ से शहर के अलग अलग इलाकों में बैरिकेडिंग भी की गई है, साथ ही नियम उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जिला प्रशासन ने घर से बाहर निकलने को लेकर ई पास यानी इमरजेंसी पास को, कर्फ्यू पास को, या यूं कहें कि लॉकडाउन पास को अनिवार्य कर दिया है। और जिला प्रशासन ने गुड़गांव पुलिस को ये आदेश जारी किए हैं कि तमाम तमाशाई या फिर तफरी पर निकले लोगों के साथ न केवल सख्ती से निपटा जाए बल्कि ऐसे लोगों के चालान कर इनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए जाएं। दरअसल गुड़गांव पुलिस और जिला प्रशासन बीते एक हफ्ते के दौरान ये लॉकडाउन की प्रक्रिया से चूक रहा है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने जिस तरह से लॉकडाउन की व्यवस्था को लागू किया था, प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की व्यवस्था को लागू किया था, लेकिन बावजूद इसके जो कोरोना संक्रमण है उनके जो संख्या है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा कि अब जो भी घर से बाहर निकलेगा, बिना वजह बाहर निकलेगा, उसके खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे तमाम लोगों से गुरुग्राम पुलिस न केवल पुलिस नाकों पर पूछताछ करेगी बल्कि उनके ई पास को भी चेक किया जाएगा। जिला प्रशासन की मंशा ये भी है कि लगातार कोरोना जो खतरनाक हो रहा है, लगातार मौतों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, उन तमाम आंकड़ों को, उन तमाम मौतों को किसी तरह से उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। और इसी के मद्देनज़र ये आदेश जारी किए गए हैं कि तमाम जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाए। हालांकि जिला गुरुग्राम इंडस्ट्रियल हब के तौर पर जाना जाता है और इंडस्ट्री जिन्होंने की परमिशन लेने के बाद अपने तमाम ऑफिसेज को खोला है, तमाम लोगों के पास ई पास होना अनिवार्य है, अन्यथा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ धीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, जनता टीवी।